वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन मूवी के डे 1 के लेटेस्ट अपडेटेड कंपैरिजन वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे इन दोनों ही मूवीज की 6 उन जगहों के बारे में जहां मूवीज ने सबसे ज्यादा एडवांस बुकिंग ली है, और साथ ही में जानेंगे अभी तक इन दोनों मूवीज ने कितने टोटल टिकट सोल्ड आउट कर दिए है, कितने शोज मिले हैं, और मूवी ने ऑनलाइन कितनी एडवांस बुकिंग की है, ऑफलाइन मार्केट से कितनी एडवांस बुकिंग की है, जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए कंपैरिजन वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 6 पर भूल भुलैया 3 मूवी के लिए है जयपुर, जहां मूवी ने अभी तक 6 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग कर ली है। वहीं पर सिंघम अगेन मूवी के लिए नंबर 6 पर है हैदराबाद, जहाँ मूवी ने अभी तक 2,60,000 रुपए की एडवांस बुकिंग की है। नंबर 5 पर भूल भुलैया 3 मूवी के लिए है पुणे, जहां मूवी ने 6,40,000 रुपए की एडवांस बुकिंग कर ली है। सिंघम अगेन मूवी के लिए नंबर 5 पर है अहमदाबाद, जहां मूवी ने अभी तक 4,10,000 रुपए की एडवांस बुकिंग कर ली है। नंबर 4 पर भूल भुलैया 3 मूवी के लिए है सूरत, जहां मूवी ने 6,80,000 रुपए की एडवांस बुकिंग ली है। वहीं पर सिंघम अगेन मूवी के लिए नंबर 4 पर है कोलकाता, जहां मूवी ने अभी तक 4,20,000 रुपए की एडवांस बुकिंग ली है। नंबर 3 पर भूल भुलैया 3 मूवी के लिए है अहमदाबाद, जहां मूवी ने अभी तक 15,00,000 रुपए की एडवांस बुकिंग कर ली है। वहीं पर सिंघम अगेन मूवी के लिए नंबर 3 पर है जयपुर, जहां मूवी ने अभी तक 5,10,000 रुपए की एडवांस बुकिंग कर ली है। नंबर 2 पर भूल भुलैया 3 मूवी के लिए है मुंबई, जहाँ मूवी ने अभी तक 25,50,000 रुपए की एडवांस बुकिंग कर ली है। वहीं पर सिंघम अगेन मूवी के लिए नंबर 2 पर है दिल्ली, जहां मूवी ने 13,00,000 रुपए की एडवांस बुकिंग कर ली है। भूल भुलैया 3 मूवी के लिए नंबर 1 पर है दिल्ली, जहां मूवी ने अभी तक सबसे ज्यादा 29,00,000 रुपए की एडवांस बुकिंग कर ली है। वहीं पर सिंघम अगेन मूवी के लिए नंबर 1 पर है मुंबई, जहां मूवी ने सबसे ज्यादा 23,80,000 रुपए की एडवांस बुकिंग कर ली है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को भी ऑल पे कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली कंपैरिजन वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए अब जानते हैं दोनों ही मूवीज के टोटल टिकट सोल्ड आउट और शोज के बारे में। तो बता दूं गाइस, भूल भुलैया 3 मूवी ने अभी तक 63,317 टिकट्स को सोल्ड आउट कर दिया है। वहीं पर शोज की बात करें तो भूल भुलैया 3 मूवी के शोज 4,552 देखने को मिल रहे हैं। वहीं पर सिंघम अगेन मूवी के टोटल टिकट सोल्ड आउट की बात करें तो मूवी ने अभी तक 25,638 टिकट्स को सोल्ड आउट कर दिया है। वहीं पर शोज की बात करें तो सिंघम अगेन मूवी के 4,041 शोज को ओपन कर दिया गया है। तो चलिए अब जानते हैं दोनों ही मूवीज के ऑफलाइन और ऑनलाइन एडवांस बुकिंग रिपोर्ट के बारे में। तो बता दू गाइज, भूल भुलैया 3 मूवी ने ऑनलाइन से अभी तक 1,70,00,000 रुपए की एडवांस बुकिंग कर ली है। वहीं पर इसमें विद ब्लॉक सीट्स की एडवांस बुकिंग को भी मिला दे तो मूवी ने अभी तक 2,74,00,000 रुपए की एडवांस बुकिंग कर ली है। सिंघम अगेन मूवी की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट की बात करें तो मूवी की ऑनलाइन एडवांस बुकिंग हमें 76,00,000 रुपए देखने को मिल रही है। वहीं पर इसमें ऑफलाइन एडवांस बुकिंग यानी कि विद ब्लॉक सीट्स की एडवांस बुकिंग को मिला दे तो मूवी की एडवांस बुकिंग हमें 1,30,00,000 रुपए देखने को मिल रही है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भूल भुलैया 3 मूवी सिंघम अगेन पर पूरी तरह से भारी है इंडिया की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट में। हालांकि सिंघम अगेन मूवी की एडवांस बुकिंग को भूल भुलैया 3 मूवी की एडवांस बुकिंग के एक दिन बाद में लॉन्च किया गया था, इसके बावजूद दोनों को शोज बरोबर मिले हैं। मात्र 500 शोज का ही डिफरेंस देखने को मिल रहा है। लेट्स सी, देखते हैं। अभी तो सिंघम अगेन मूवी भूल भुलैया 3 मूवी से काफी पीछे चल रही है। क्या मूवी कल तक भूल भुलैया 3 मूवी की एडवांस बुकिंग को पीछे छोड़ पाई या फिर नहीं, इस बारे में आपकी क्या राय है? अपनी जो भी राय हो हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अभी तक आपने साल 1991 से लेकर साल 2024 तक दिवाली के मौके पर क्लेश होने वाली बॉलीवुड मूवीज के कंपेरिजन वीडियो को नहीं देखा है तो स्क्रीन पर जो प्ले लिस्ट आ रही है उस पर भी क्लिक करके वीडियो को देख लीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।